इधर जबलपुर में नगर निगम ने सत्ता के विरोध में आज विपक्ष ने अनोखा प्रदर्शन किया है। नगर निगम सदन के सामने विपक्ष ने सत्ता पक्ष के रवैये के खिलाफ अपना कड़ा एतराज विरोध दर्ज किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना था कि बजट बैठक के बाद से आज तक सत्ता पक्ष ने एक भी बैठक धारा 30 की आयोजित नहीं की है। इसके माध्यम से शहर के ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की जा सके। वहीं इस प्रदर्शन में महापौर से लेकर नगर निगम अध्यक्ष और सत्ता पक्ष को MIC भी देखने को मिली है। करने आज विपक्ष ने कुछ इस तरीके से समानांतर सदन लगाई है, देख सकते हैं सदन के बाहर समानांतर सदन बैठक का आयोजन किया गया और जितने भी यहां पर अलग अलग पदों पर लोग बैठे हैं सभी कांग्रेस पार्षद हैं। कोई अध्यक्ष के पद पर बैठा है तो कोई महापौर बना हुआ है और यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक अलग ही समानांतर सदन जो है वो चलाई जा रही है। क्या मूल वजह रही है और क्या कारण है, नेता प्रतिपक्ष है वो यहाँ पर बैठे हैं। अमरीश जी, ये समानांतर सदन लगाई जा रही है, क्या मूल विषय? देखिए, विषय बहुत गंभीर है शहर विकास को लेके कि आज से 5 माह पहले जब बजट की बैठक हुई थी तब भी बहुमत के आधार पर बिना चर्चा के इन्होंने सदन को भंग कर दिया था। उसके बाद हमने शहर भर में प्रदर्शन किया था, उसी बीच डोर टू डोर ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल करी और नगर सत्ता ने हक धर्मिता दिखाते हुए उनसे बिना बात करे अपने हैंडओवर लिया। उसका नतीजा कि शहर में डोर टू डोर की व्यवस्था पहले से भी बुरी स्थिति में आ गई। शहर के विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, विकास कार्य जल प्लावन हुआ था। हम लोग ने बार बार धारा 30 की बैठक बुलाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को लगभग 4 से 5 बार पत्र दिया, लेकिन वही हठधर्मिता बहुमत के आधार पर अपना दबाव बनाना और सदन की बैठक से बचना, क्योंकि ये जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, ये जनता में कोई विकास कार्य नहीं किया, इनकी हवा हवाई घोषणा रहती है। विपक्ष कोई सवाल ना करे इसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए सदन नहीं लगा रहे। तब हमने तय किया कि हम समानांतर सदन लगाएंगे और आज हमने इसकी शुरुआत नगर निगम से की है। जब हमने बैठक में तय किया कि हम शहर भर में समानांतर सदन लगाएंगे तो महापौर जी के होश उड़े, उनको होश आया कि उनकी जवाबदारी सदन में बोलने की है, विपक्षी पार्षदों की समस्याओं को सुनने की है। तब उन्होंने लेटर जारी करा के हर पार्षदों को बताया कि 2 तारीख को हम सदन लगा रहे हैं, वो भी सामान्य सभा, जो नगर सत्ता स्वयं अपने विषय ला रही है। लेकिन धारा 30 जो विपक्ष का मुद्दा है, जो विपक्ष का विपक्ष की जो जवाबदारी है आम जनता के प्रति अपनी बात रखनी सदन में, उससे वो अभी भी बच रहे हैं। अगर धारा 30 की बैठक नहीं बुलाई जाती तो आज हमने नगर निगम में सदन लगाई है। ऐसी सदन शहर के हर चौराहों में लगेगी, आम जनता के बीच में जाकर नगर सत्ता की कथनी करने को हम उजागर करेंगे। तो बेशक लाजमी जो विरोध प्रदर्शन है इसका कितना असर हुआ ये तो बताई दिया, लेकिन 2 तारीख को आहूत हुई है तो वो भी सामान्य सभा की बैठक, लेकिन विपक्ष लगातार मांग कर रहे हैं कि धारा 30 को लेकर के और जो तमाम जो विषय है जिसको लेकर के विपक्ष चर्चा करना चाहता है उन विषयों पर लेकर नगर सत्ता जो है वो बैठक आहूत करे। दिनेश कर्मा के साथ प्रदीप मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर।